हाय, दिस इज विजया एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज हम फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी बनाएंगे एक बहुत ही आसान तरीके से। जनरली फ्रेंच फ्राइज बच्चों को ही नहीं, सारे एज ग्रुप के लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। लेट्स मूव टू दिस। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने लिए हैं ये चार बड़े आलू, ये ऑयल, पानी, ये चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये सॉल्ट। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हम पहले ये आलू को छीलेंगे। हमने आलू को पील कर लिया है, इसे हम अब कट करेंगे। हमने बाकी सारे आलू भी ऐसे ही पील करके रख दिया है। कट करने के लिए पहले हम इसे हाफ में कट करेंगे। चार पांच पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने इसे थोड़े मोटे टुकड़ों में काटा है क्योंकि फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं। अब इसे हम पानी में धोएंगे। और ये पानी फेंक देंगे और तीन चार बार इसे धोएंगे। हमने इसे तीन चार बार पानी से धो लिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक पानी में डिप करके रखेंगे। 15 मिनट हो गए, हम इसे फिर तीन चार बार पानी से धो लेंगे। हमने इसे तीन चार बार धो लिया है। अब हम इसे फिर से 15 मिनट तक पानी में सोख करके रखेंगे, यानी टोटल हम इसे 30 मिनट तक इसे पानी में सोख करके रखेंगे। हम इसे इतनी बार धो के सोख करते हैं सो दैट वो पूरा स्टार्च सब निकल जाए। हमने पूरा पानी स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसे ड्राई करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम पंखे के नीचे सुखा सकते हैं या इसे हम नैपकिन से इसे पैट करके पानी निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से ड्राई होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमने सारे फ्रेंच फ्राइज को हमने ड्राई कर लिया है, पंखे के नीचे भी, हमने इसे टॉवल से भी हमने इसे पूरा ड्राई कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है और इसमें तेल भी डाल दिया है। तेल गर्म होने के पहले हम ये डाल देंगे फ्रेंच फ्राइज इसमें। जब तक ये गर्म होता है तेल, इसे हम ऐसे ही ठंडे तेल में ही फ्राई करेंगे। गैस ऑन कर लिया, इसे गर्म होने में 10 मिनट लगेंगे। हमने इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई किया है। अब हम इसका फ्लेम बढ़ाएंगे और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे। हमने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं। ये हमने हाफ फ्राई किया है, हम इसे दोबारा इसे फ्राई करेंगे। हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम दोबारा इसे फ्राई करेंगे। हमारा ये हाफ फ्राइड फ्रेंच फ्राइज पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे फिर से दोबारा फ्राई करेंगे। गैस ऑन करेंगे और इस बार हम हाई फ्लेम में इसे 4 से 5 मिनट तक या इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो गया है। अब हम इसे फिर से स्ट्रेनर में निकाल दें।
ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल सब उसे ड्रेन हो जाए। इसी तरह हम बाकी सारे फ्रेंच फ्राइज इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारा ये फ्रेंच फ्राइज तैयार है। हम इसमें ये सीजनिंग डालेंगे। पहले डालेंगे ये सॉल्ट, ये ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये चाट मसाला, मिक्स्ड हर्ब्स या आप इसमें पार्सले भी डाल सकते हैं। हमने सारे सीजनिंग डालने के बाद इसे हम पॉज कर लेंगे। सारे सीजनिंग इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, अब हम इसे फिर से प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा ये फ्रेंच फ्राइज तैयार है। हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ, जो होममेड है। इसकी रेसिपी भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं।